हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू स्वदेश पब्लिक स्कूल। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 3 जो कि है मैथमेटिक्स का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये है बच्चों आपकी मैथ्स जिस जो है क्लास 6 की। ओके, तो बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 का नाम है हमारा प्लेइंग विद नंबर्स। तो बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में, LCF, LCM, HCF वो निकालते हैं ना, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपने छोटी क्लासों में पढ़ी हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उनका बड़ा रूप दिया गया है। तो इस चैप्टर की बच्चों मैं कुछ एक वीडियो बना चुका हूँ पहले, ठीक है। तो उस वीडियो में बच्चों इस चैप्टर की जो पहली वीडियो है वो मैं रिकॉर्ड करके पहले ही सेंड कर चुका हूँ, ठीक है। तो उस वीडियो के अंदर हमने देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 से। ओके, तो देखते हैं जरा क्या है ये क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 में रीड करता हूँ, देख क्या लिख रहा है। राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल्स का मतलब आप जानते हो कि मल्टीप्लाई करके जैसे निकालते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाएंगे, इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है फर्स्ट 4 मल्टीपल्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, जैसे यहाँ पे निकाला है 3 के निकालने हैं, फिर 7 के, 9 के, 11 के, पूरे ये सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे। तो मैं आपको 3 के 4 मल्टीपल्स निकाल के बताता हूँ कैसे आपको करने हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे समझाने के लिए नोटबुक ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा कितना था, 3, ठीक है। तो इसमें भी कौन सा था हमारा, पहला, ठीक है, जो 3 था ना वो। तो हम लिखेंगे फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3 आर। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, देखो पहला मल्टीपल 3 × 1, दूसरा मल्टीपल 3 × 2, तीसरा मल्टीपल 3 × 3, चौथा मल्टीपल 3 × 4। तो क्या आएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12। तो बच्चों ये 4 मल्टीपल्स हमारे हो चुके हैं। ओके, ऐसे करके मल्टीपल निकाल देंगे। ऐसे ही किसी के निकालने हो, ठीक है, 7 का निकालने हो, 9 का निकालने हो, ऐसे निकाल दोगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैं यहाँ लिख रहा है, तो देखो 3 में ये सारे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। जैसे 22 है तो 22 का निकालना है, तो 22 × 1, 22 × 2, 22 × 3, 22 × 4, ऐसे करके निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा, 4 वाला, फाइंड द सम ऑफ 7th मल्टीपल ऑफ 102। तो बच्चों इसका क्या मतलब है, 7th मल्टीपल ऑफ 102, इसका मतलब है कि 102 का 7वां मल्टीपल, यानी कि अगर हम पहला मल्टीपल निकालें, दूसरा निकालें, देखो पहला निकालेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा निकालेंगे तो 3 से, चौथा निकालेंगे 4 से, पांचवा निकालेंगे 5 से, छठवां निकालेंगे 6 से, और 7वां मल्टीपल निकालेंगे तो 7 से। तो जिस नंबर का, जौन से नंबर का आपको मल्टीपल निकालना है उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसमें कह रहा है 7th वाला निकालो, तो मल्टीप्लाई बाई 7 कर दो। अगर ये कहे 100वां निकालो, 100वां मल्टीपल निकालो, तो 100 से मल्टीप्लाई। तो ये मान लो ये कहे कि 21वां मल्टीपल निकालो, तो 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ कौन सा निकालना है, 7th मल्टीपल निकालना है, ठीक है। तो बच्चों इसमें 7th मल्टीपल निकाल लेंगे एंड 19th मल्टीपल ऑफ 209। दोनों का क्या निकालना है, सम। सम का मतलब क्या होता है, प्लस। तो 102 का 7th मल्टीपल निकाल लेंगे, ठीक है, और 209 का 19th मल्टीपल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो हम लिखेंगे बेटा 7th मल्टीपल ऑफ 202 क्या होगा बताओ। देखो यहाँ पे इस लाइन में लिखा हुआ है 7th मल्टीपल ऑफ 202, तो मैंने भी यहाँ पे लिख लिया है 7th मल्टीपल ऑफ 202। तो बेटा 202 मल्टीप्लाई बाय 7, तो देखो क्या आएगा, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14, ये आ गया। फिर
क्या रहा है, 19th मल्टीपल निकालो 209 का, यहाँ लिखेंगे 19th मल्टीपल ऑफ 209। तो बच्चों 209 इंटू 19, तो इसका जो आंसर आएगा वो निकालेंगे बेटा। फिर कह रहा है सम, तो हम लिख देंगे सम ऑफ 7th एंड 19th मल्टीपल। तो दोनों का अगर हमें सम निकालना है तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों जो आंसर आएंगे उनको प्लस कर देंगे, ठीक है। ये तो 7th वाला मल्टीपल हो गया, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 19th, और दोनों को क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। ओके चलो अब 5th वाला करते हैं। यहाँ लिख रहा है चेक इफ़ 12 इज़ अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर। तो बेटा जो हमें चेक करना है यहाँ पे कि 12 जो है वो इन नंबर में से किस किस का फैक्टर है। तो बच्चों आपको समझने वाली बात यह है कि जो फैक्टर होता है ना, तो उस फैक्टर का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा। जैसे कि हमें 144 से चेक करना है कि 12 जो है 144 का जो है फैक्टर है कि नहीं है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर का डिवाइड दे देंगे किसमें, उस नंबर में। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिख देंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा, तो हम लिखेंगे बच्चों 144 डिवाइड बाई 12, और 12 से डिवाइड दो 12 बन जा 12, माइनस किया 2 बचा 4, 12 टू जा 24, ठीक है क्रॉस। तो पूरा पूरा जा रहा है ना, रिमाइंडर नहीं बच रहा है, नो रिमाइंडर, नो रिमाइंडर, ठीक है कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा, इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। इसका मतलब हम लिख देंगे 12 इज द फैक्टर ऑफ 144, ठीक है बच्चों। अगर रिमाइंडर नीचे बचता है तो कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम इसका निकालते हैं 226 का, ठीक है। तो पहला हो गया ये, तो दूसरा चेक करना है, तो 226 इसमें डिवाइड दो 12, सब में 12 का देना है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी सब में देना है, जिसमें चला जाए तो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। तो इसमें चेक करते हैं, देखो 12 बन जा 12, कितना बचा नेम, इसमें दिया 12, 8 जा 96, 12 9 जा 108, ज़्यादा हो गया तो 12 8 जा 96, कितना बचा बेटा 10 बचा, ठीक है। अब देखो 10 यहाँ पे रिमाइंडर है, अब कुछ आगे तो जाएगा नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर। इसका मतलब ये है 12 का डिवाइड इसमें पूरा पूरा जा नहीं जा रहा, तो 10 रिमाइंडर बच रहा है। तो हम लिखेंगे बिकॉज 10 इज रिमाइंडर, रिमाइंडर बच रहा है इसलिए 12 इज नॉट, ठीक है, द फैक्टर ऑफ 226, ठीक है। ऐसे करेंगे, मतलब समझ में आ गया, अगर फैक्टर होगा तो नीचे कुछ नहीं बचेगा, नो रिमाइंडर, यानी पूरा पूरा जाएगा, और अगर नीचे बच रहा है पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है, इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा है, नीचे रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब 12 जो है 226 का फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे 12 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ, नॉट लगाना है बस, ठीक है, यहाँ पे 12 इज़ द फैक्टर, इसमें नॉट लगाना है, नहीं है तो नॉट लगाना है बस। इस तरह से बच्चों आप सारे 5th के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कर लोगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ लिख रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर ये आपका जो 6th वाला है, ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 225, मतलब 225 के आपको सारे फैक्टर्स निकालने हैं और उनका क्या करना है, सम करना है, मतलब उनको सबको प्लस कर देना है।
तो बच्चों यहाँ पे भी आया देखो 225 क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है ना। तो इसके सारे फैक्टर आपको निकालने हैं, जैसे फैक्टर निकालते हैं ठीक है, मैंने निकालना सिखाया था ठीक है, सभी फैक्टर्स को निकालेंगे और उन सबका क्या कर देंगे सम, सम का मतलब प्लस। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ये आपको करना है ठीक है। तो 225 के फैक्टर्स देखो, चलो मैं 225 के फैक्टर्स आपको बता देता हूँ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, तो देखो इसके फैक्टर्स निकालते हैं सारे। किसका जा रहा है 2 प्लस 2 कितना हुआ 4, 4 प्लस 5 कितना हुआ 9, 9 में 3 का जाता है, इसका मतलब इसके में 3 का जा सकता है। तो 3 का 2 में नहीं जा रहा, 2 को ले लिया तो 22 हो गया, 3 7 या 21, 22 है और ये 21 है आया है, तो 1 बचेगा 15, तो 3 5 जा 15, फिर से 3 का जा रहा है 25 आया, फिर 5 का जा रहा है क्या आया 5 5 और ठीक है। तो बच्चों फैक्टर्स क्या क्या हुए हमारे बताओ, देखो 3 5 25 ठीक है 75 ये और 1, इसके अलावा और भी फैक्टर्स होंगे ठीक है, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे हम ऑल द फैक्टर्स ऑफ 225 आर। तो कौन से होंगे फैक्टर्स, बेटा 1 है, 3 है, 5 है ठीक है। अब देखो इसमें ये 3 है, ये 3 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, 3 3 जा 9 है ठीक है, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 भी है ना, और 5 5 जा और 5 3 जा 15, 15 भी है इसका ठीक है। आप उसमें मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, जैसे ये 3 का इससे मल्टीप्लाई किया 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, अब 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 × 5 करेंगे तो वापस से वही आ जाएगा, तो 225 तो है ही है, उसको हम लिख देते हैं, ये लिख दिया लो ठीक है। और 3 और 5 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जैसे इधर से करते हैं तो 5 5 जो 25 लिख लिया हमने, तो नहीं लिखा अभी नहीं लिखा, लिख लेते हैं 25 ठीक है, 5 5 जो 25 और 5 5 जो 25, 25 3 जो 75, 75 लिख लिया ठीक है, और 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 हमने पहले से लिख रखा है, तो हो गए सारे, बस यही हैं इसके फैक्टर्स ठीक है। 1 लिख लिया, 3 5 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 ठीक है, और 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 लिख लिया, अब सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 लिख लिया, और 3 5 जा 15 लिख लिया, 5 5 जा 25 लिख लिया, और 5 5 जा 25, 25 3 जा 75 लिख लिया, इधर से भी आ रहा है कैसे भी ले लो। तो बच्चे ये सारे फैक्टर्स हो गए ठीक है, अब हमें निकालना है सम, तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज, तो बेटा सम निकालना है तो क्या करेंगे देखो, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लus 45 प्लस 15 प्लस 225 प्लस 25 प्लस 75 ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब इन सबको अगर आप प्लस करोगे तो इसका सम आएगा 403 ओके, तो यही आएगा आप देख लेना करके, मैंने कर लिया है ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा फैक्टर निकालने, सबका प्लस करना है ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलो बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की, क्या लिख रहा है यहाँ पे, लिख रहा है क्रॉस आउट द नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 7, तो उनको हमें क्रॉस करना है जो 7 के मल्टीपल नहीं होते हैं, यानी कि 7 की टेबल में नहीं आते हैं, यानी कि 7 का डिवाइड उनमें अगर दें तो वो पूरी पूरी बार नहीं जाएगा। तो देखो 7 का डिवाइड अगर 28 में देंगे तो चला जाएगा 7 4 जा 28, तो इसमें होता है पूरी चला जाएगा, 40 40 में नहीं जाएगा तो 40 को क्रॉस कर देना है,
पर आपको डायरेक्ट नहीं करना है ये क्वेश्चन, ठीक है? आपको डिवाइड कर करके दिखाना है। जैसे कि पहला है हमारा बेटा 28, ठीक है? तो 28 7, इसमें डिवाइड दो, 7 4 जा 28, पूरा पूरा चला जा रहा है। इसका मतलब इस ये 7 का मल्टीपल है, तो इसको क्रॉस नहीं करना है, तो इसको हम टिक करेंगे। तो हम लिख देंगे इसमें राइट का निशान लगा करके, ऐसे करके कि अब लिख देंगे 28 इज मल्टीपल ऑफ 7, ओके। ऐसे दूसरा निकालेंगे 40, ठीक है? 40 लिख लिया, 7 5 जो 35, 7 6 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बचा, इसमें रिमाइंडर बच रहा है, ये रिमाइंडर बचा, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा था, इसका मतलब इसको क्रॉस कर देंगे, तो ये हमारा मल्टीपल नहीं है, यानी कि 40 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है? इस तरह से आपको जो लेना है उस पर टिक और जो क्रॉस करना है उसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कह रहा है सर्कल द फैक्टर्स ऑफ 256। तो इसमें ये कह रहा है कि कौन कौन सा जो है 256 का फैक्टर है। तो बच्चों 1 का डिवाइड 256 में चला जाता है, 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो इस पर 1 पे सर्कल कर देंगे। 2 का डिवाइड इसमें चला जाएगा, यस, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है, क्योंकि 2 का रूल क्या होता है, अगर पीछे 0 2 4 6 8 कुछ भी आ जाए तो 2 से जाता है, तो इसका मतलब 2 भी फैक्टर है। 4 का इसमें चला जाएगा बच्चों, देख करके देख लो, अगर जा रहा हो तो फैक्टर है, नहीं है तो नहीं है। तो इस तरह से जिस डिवाइड कर करके देखना है, जैसे 64 है तो 64 का डिवाइड देंगे 256 में, अगर जा रहा है तो इस पर सर्कल कर देंगे, नहीं जा रहा है पूरा पूरा रिमाइंडर बच रहा है तो क्रॉस कर देंगे, ठीक है? तो इस तरह से आप खुद ये करोगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको पूरी एक्सरसाइज जो है आप समझ में आ गई होगी, है ना? तो आज की हम वीडियो हमने क्या देखा है, क्वेश्चन नंबर 3rd से लेकर के और 8 तक के सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं इसमें। तो आप जो है होमवर्क में इन सारे क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक के अंदर करोगे, ओके स्टूडेंट्स? और वर्क जो है पेंडिंग नहीं रखना है बिल्कुल। अब सारे बच्चे जो है मेरे साथ साथ तालमेल में आ गए हैं, ठीक है? अब मैं डेली वीडियो डालूंगा और आपको भी मेरे साथ साथ जो है पूरी रफ्तार के साथ चलना है, ओके स्टूडेंट्स? तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।